फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यह है कार टॉक। तो दोस्तों आज मैं फिर आया हूँ आपको एक और नई कार का काम दिखाने के लिए, एसी वर्क दिखाने के लिए। आज हम करने वाले हैं शेवरलेट बीट का एसी वर्क। तो आइए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस कैसे हम स्टार्ट करेंगे और हम क्या क्या पार्ट्स में रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्या डालेंगे। तो दोस्तों ये शेवरलेट बीट है और 2012 मॉडल आई थिंक ये है। तो आज हम इसका एसी रिपेयर वर्क करने जा रहे हैं। कंप्लीट एसी यूनिट हम लोग इसकी रिप्लेस करेंगे। कस्टमर काफ़ी टाइम से एसी की समस्या को लेके हमारे पास आ रहे थे, तो हमने उन्हें बताया था कि इसका कंप्रेसर डाउन है और कंडेंसर इसका चौक है, तो दोनों ही चीज़ हम रिप्लेस करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी कूलिंग कॉइल भी रिप्लेस करेंगे। तो फिटिंग हम लोग ऑलमोस्ट खोल चुके हैं। ये कंप्रेसर है, देखिए मैं इसको मैन्युअली घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये पूरी तरह से जाम है, इसका क्लच पूरी तरह जाम हो चुका है, ये घूम नहीं रहा, जबकि ये इजीली घूमना चाहिए। और कंप्रेसर की बात करूं तो इसमें ओरिजिनल फिटिंग लगी हुई है, ऑलरेडी पहले से कंपनी फिटेड कंप्रेसर है, आज तक रिप्लेस नहीं किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम लोग डैशबोर्ड रिमूव कर रहे हैं, गियर लीवर के आसपास के कंसोल से लेके पूरा डैशबोर्ड हम लोग हटाएंगे। उसके बाद ही हम लोग कूलिंग कॉइल को देखेंगे क्या कंडीशन है उसकी। तो प्रोसेस कर रहे हैं वक्त और आपको दिखाते हैं आगे कि कूलिंग कॉइल किस कंडीशन में निकलती है। एक एक करके हम लोग इसके मोस्टली पार्ट रिमूव करेंगे, चाहे वो गियर वाला कंसोल हो, चाहे वो स्टीरिंग हो, चाहे वो स्टीयरिंग हैंडल हो। तो दोस्तों इनर फिटिंग के साथ साथ कुछ आउटर फिटिंग भी होती है एसी की, जो खोलनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग कंडेंसर से लेके इसके पाइपलाइन, जो कि एसी पाइप होता है, डिस्चार्ज पाइप होता है, इसके साथ साथ काउंटर फिटिंग को भी खोला जाता है। साथ ही साथ हमने एक कंडेंसर रिमूव किया है। इस कंडेंसर की हालत आप देख सकते हैं, ये शायद आपको ठीक से ना नज़र आ रहा हो, बट हमारी नज़र में हमने देखा है काफ़ी हद तक चौक है और कई जगह इसके डेंट है, लगे हुए के निशान हैं इसमें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, हर एक एसी पार्ट की एक लाइफ होती है, एक लिमिट होती है। एसी का पार्ट जो है गाड़ी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 7 साल, या अगर गाड़ी कम चलती है तो 8 साल ही चल पाता है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम इस गाड़ी के काफ़ी पार्ट रिमूव कर चुके हैं। डैशबोर्ड हमने पूरी तरह से हटा दिया है, कंसोल फ्री कर दिया है और कूलिंग कॉइल हम निकाल चुके हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कूलिंग कॉइल की क्या कंडीशन है अभी इसमें। और एक बात, अगर पूरी यूनिट आप रिप्लेस कर रहे हैं तो कोशिश करें, कोई अगर पाइप सही है तो उसको बचा सकते हैं, उसको प्रॉपर पेट्रोल से फिनिशिंग करें उसके बाद ही वापस लगाएं। बट कूलिंग कॉइल, कंडेंसर और कंप्रेसर ज़रूर रिप्लेस करें, साथ ही साथ एक्सपेंशन वाल्व। तो ये देखिए, ये कूलिंग कॉइल है दोस्तों जो इस गाड़ी में निकली है और ये काफ़ी डर्टी है, काफ़ी ज़्यादा गंदी है ये, इसको हम लोग वापस फिट नहीं कर सकते अभी ना सही, तो हो सकता है थोड़े टाइम चलने के बाद, एक सीज़न निकालने के बाद ये कूलिंग कॉइल लीक हो जाए। तो ज़्यादा बेटर है जब हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो कूलिंग कॉइल भी साथ ही साथ रिप्लेस करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कंप्रेसर इसका पूरी तरह से चौक है, पूरी तरह से जाम है, क्लच इसका फ्री नहीं है। कंप्रेसर क्लच अगर फ्री नहीं होता तो वो कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो यहाँ हम पूरा कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं। और जब भी आप पूरी यूनिट चेंज करते हैं तो दोस्तों ये ना सोचें कुछ एक आध चीज़ हम उसमें से बचा लें पाइप के अलावा। पाइप अगर लीक नहीं है तो पाइप आप बचा सकते हैं, बट इंटरनल पार्ट्स बहुत से ऐसे हैं जो चेंज होने बहुत ज़रूरी है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत खर्चे का आता है, बट बार बार आप उसको किसी मैकेनिक को या किसी वर्कशॉप को लेबर दोगे, उससे अच्छा ये है आप वन टाइम उसमें इन्वेस्ट करो, वन टाइम उसको रिपेयर कराओ या चेंज कराओ। तो दोस्तों कूलिंग कॉइल आपने देखी है, साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी एसी का काम कराना हो या कुछ हो तो जब ये कॉइल टॉप खुलती है तो इसके अंदर अक्सर आपको डस्ट मिलेगी या चॉकिंग मिलेगी, इसको ज़रूर आप क्लीन कराएं, वरना इससे ये वाइपर लिंक असेंबली है, वाइपर लिंक असेंबली भी हार्म होती है, इस पे जर्क आ जाता है, जल्दी ये ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वाइपर लिंक असेंबली में जगह जगह जर्क आ गया है, तो इससे इतनी टेंशन वाली बात अभी तो नहीं है क्योंकि फिलहाल ये अच्छी कंडीशन में है, हल्का फुल्का जर्क है ऊपर, सिर्फ पपड़ी बनी है, तो इसको क्लीन करा के आप वापस लगाएं। बट हमेशा याद रखें कॉइल टॉप के नीचे साफ़ सफाई रहे। और ये दोस्तों इसका नया कंप्रेसर आ गया है, तो ये कंप्रेसर है आप देख सकते हैं, हमने ओरिजिनल वही कंप्रेसर लगाया जो कंपनी फिटेड था,
फिर से हम रेफ्रिजरेटर वही कंप्रेसर करेंगे। एज यू कैन सी दी होलोग्राम GM जनरल मोटर। तो दोस्तों इस कंप्रेसर की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये कंप्रेसर 16,800 रुपये के समथिंग है ओरिजिन, जो कि कंपनी से लग के आता है। तो चलिए आपको पास से क्लियरली कंपेयर करके और दिखा दें कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की पाइपलाइन के सॉकेट सेम है, दोनों की रियर फिटमेंट भी सेम है गाड़ी की। जो कंप्रेसर है इसका प्रॉपर पुली पाइप सेक्शन और ब्रैकेट फिटिंग के जितने होल्स हैं सब सिमिलर हैं, सब मैच है, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो यहाँ आप खुद भी क्लियरली ये चेक कर सकते हैं कंप्रेसर, दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं कौन सा नया है कौन सा पुराना है। और इसके साथ ही हम इस गाड़ी का नया रेडिएटर भी चेंज कर रहे हैं। रेडिएटर क्योंकि बहुत पुराना था, इसका चौक था, तो हम लोग इसका रेडिएटर भी नया डालेंगे। और रेडिएटर भी दोस्तों हम लोग ओरिजिनल ही यूज़ कर रहे हैं जनरल मोटर कंपनी का। और ये दोस्तों इसकी नई कूलिंग कॉइल है, देखिए ये पुरानी है और ये नई है, हम न्यू कूलिंग कॉइल इसमें रिप्लेस करने जा रहे हैं। पूरी यूनिट चेंज करने का एक बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपकी गाड़ी की इफ़िशेंसी तो ओरिजिनल जैसी बनी रहती है, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग बनी रहती है, लंबे टाइम चलती है, आप गाड़ी को दोबारा 3 से 4 साल और ड्राइव कर सकते हैं। और ये इसका कंडेंसर है दोस्तों, कंडेंसर हम लोग इसमें इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल कंडेंसर अवेलेबल नहीं था मार्केट में, सो हम उसका OES पार्ट एक अरेंज करके लेके आए हैं, वो हम चेंज करेंगे। और OES पार्ट चेंज करने का मतलब ये नहीं कि किसी कूलिंग में कुछ कम हो जाएगा या कुछ और इशू रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर बेहतर कूलिंग रहेगी क्योंकि हम पूरी यूनिट चेंज कर रहे हैं इसके साथ, तो नया कंडेंसर प्रॉपर ओरिजिनल जैसा ही काम करेगा। फिर से हम दोबारा कंसोल और डैशबोर्ड की रीफिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इनर पार्ट हम लोग फिट कर चुके हैं, कूलिंग कॉइल फिट हो चुकी है, अब बाकी आगे के पार्ट की बारी है। दोस्तों इस सारे प्रोसेस में डैशबोर्ड ओपनिंग से लेकर फिटिंग तक अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। डैशबोर्ड खोलने वगैरह में ही 2 से 2.5 घंटे ख़राब होते हैं और सेम टाइम वापस फिटिंग में लगता है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस का टाइम जो है 5 से 6 घंटे मैक्सिमम है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें गैस रिफिल करनी बाकी है और लीकेज चेक करनी, उसके बाद हम गाड़ी कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसी तरह से दिल से प्यार देते रहेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर।